जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए काटे जाने वाले पेड़ों के बदले नए पौधे लगाए जाने का काम तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश का वन विभाग इस काम को काफी गंभीरता से कर रहा है। लगभग 50,000 से ज्यादा पौधे वन विभाग की तरफ से लगाए जा चुके हैं। दरअसल जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 12,000 पेड़ों को काटा जाना है। इसके बदले लगभग 10 गुना पौधे लगाए जाने का संकल्प लिया गया है, यानी लगभग 1,00,000 नए पौधे लगाए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। यमुना अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट परियोजना में लगभग 11,460 पेड़ आ रहे हैं। वन विभाग ने इन्हें काटने की परमिशन दी। इसके अलावा मुख्य सड़क के किनारे भी 536 पेड़ आ रहे हैं। इन्हें काटने की शर्त समेत मंजूरी भी वन विभाग ने दे दी। 10 गुना पौधे लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई गई। पेड़ों को लगाने के बाद उनकी देखरेख की जाएगी ताकि उन्हें बचाया जा सके। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ये काम किया जाएगा। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के सवाल पर DFO प्रमोद कुमार ने बताया कि कटने वाले पेड़ों में ज्यादातर यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। ऐसे पेड़ ज्यादा प्रभावी नहीं होते। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 11,460 पेड़ काटने की अनुमति 6 महीने पहले वन विभाग की तरफ से दी गई थी। अनुमति की अवधि दिसंबर 2020 में खत्म हो गई थी। प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट की 1334 हेक्टेयर जमीन पर लगे इन पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति समाप्त होने पर जेवर एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी की तरफ से अनुमति को बढ़ाने का लेटर भेजा गया था। वन विभाग ने शर्तों के साथ पेड़ काटने की मंजूरी की अवधि बढ़ा दी है। इसके एवज में 1,00,000 से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। 60,000 हेक्टेयर में इन पौधों को लगाया जाना है। 3 साल तक इन पौधों की देखभाल भी करनी होगी। इसके रख रखाव पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।